नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अलौकिक में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी मंदिर और स्थान जो अपने आप में ही महत्व रखते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं रायसेन जिले के बरेली तहसील में स्थित छिंद धाम। यहाँ कलयुग में भी भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन होते हैं। छिंद धाम में मंगलवार और शनिवार के अलावा प्रतिदिन हजारों लोग मुरादे लेकर आते हैं और झोली भर कर जाते हैं। बजरंग बली का ऐसा मंदिर जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, मध्य प्रदेश की धरती पर स्थापित है। ये मंदिर भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के ग्राम छिंद में हनुमान दादा जी लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है और खासकर हर मंगलवार को भक्त यहाँ माथा टेकने आते हैं। लोगों का कहना है कि एक रात पवन सुत हनुमान के उपासक को स्वयं दादा ने दर्शन दिए थे और कहा था कि खेत में लगे पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी मूर्ति है, इसको बाहर निकालो और स्थापित करो। दादा का आदेश मिलते ही भक्त पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे और खेत खोदने लगे। कुछ समय बाद भगवान हनुमान की एक सुंदर मूर्ति निकली। भक्त ने इस मूर्ति को खेत में लगे इस पेड़ के नीचे ही स्थापित कर दिया और पूजन अर्चना शुरू कर दी। आसपास के इलाकों में लोगों को इस अद्भुत धाम के बारे में जानकारी मिली तो धीरे धीरे भक्तों का आना शुरू हो गया। भक्तजन अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ लोगों की मान्यता है कि 5 मंगलवार लगातार आने से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। भैया यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, अपने अपनी मान्यता पूरी होती है, सभी लोग दर्शन करते हैं 5 मंगलवार का, सभी की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर बहुत प्राचीन मूर्ति है और अपने कृष्ण कुमार रघुवंशी जी यहाँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे देख रेख करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। उनकी ये निजी जमीन की पूर्वजों ने यहाँ स्थापना की है दादाजी, और सब मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मनोकामना मांगते हैं 5 मंगलवार 11 मंगलवार आते हैं लोग। मंगलवार को कितनी भीड़ हो जाती है जी? मंगलवार को कितने लोग हो जाते हैं यहाँ? हो जाते हैं 20,000। दक्षिण मुखी भगवान दादा की इस प्रतिमा में साक्षात दर्शन होते हैं। आज उसी वृक्ष के नीचे एक विशाल मंदिर स्थापित है। आज से करीब 15 वर्ष पहले तक यहाँ सामान्य कुटिया थी और इसी के नीचे हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन लोग धीरे धीरे आने लगे और उनकी मुश्किलें दूर होने लगी। भक्तों का विश्वास भगवान पर बढ़ता गया। दिनों दिन यहाँ दूर दूर से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। आज यहाँ विशाल मंदिर बना हुआ है और मंगलवार की सुबह 3 बजे से भक्तों की कतार दर्शन के लिए लग जाती है। 4 से 5 बजे के बीच होने वाली आरती में हजारों भक्त शामिल होते हैं। माना जाता है कि सुबह की आरती के दर्शन से हर मुश्किल आसान हो जाती है। किसी भी मंगलवार सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पिछले 8 साल से भोपाल से रेगुलर आ रहा हूँ हर सोमवार रात को। जो भी मेरे काम है, जो भी मैं सोच लेता हूँ, दादा मेरे पूरे करते हैं। मेरे डॉक्टर भी दादा हैं, मेरे पुलिस वाले भी दादा हैं, तो मेरी जो भी उनके कारण चल रही है, जब कोई मुसीबत आती है घर परिवार में, मैं दादा को बोल देता हूँ, वो काम मेरे पूर्ण हो जाते हैं। मुझे तो विश्वास है, बाकी और भक्तों का क्या है वो जाने। बहुत सिद्ध मूर्ति है यहाँ आता है, जो भी आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम 18-20 साल से अपने दोस्तों के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। सुबह 4 बजे की आरती में हमेशा आता हूँ। कब से आ गए आप? 18 साल हो गए। 18 हनुमान जी महाराज बहुत बड़ी प्रसन्नता है, बहुत बड़ी भक्ति जो लगभग 250 साल पुराने हैं और हमेशा ही मतलब उनकी ख्याति जो है और बहुत श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का चमत्कार ऐसा है कि हर VIP यहाँ मत्था टेकने आता है। भक्त कोई भी हो, मनोकामना पूरी होने पर पैदल ही दादा के दर्शनों के लिए पहुँचता है।
यहाँ चादर चढ़ाना, झंडे चढ़ाना और चोला चढ़ाने का रिवाज बहुत पुराना है। लोगों का कहना है कि लोग अपनी अर्जी भगवान के सामने लगाते हैं और अर्जी पूरी होने पर लगातार 5 मंगलवार भगवान दादा के दर्शन करने आते हैं और 5वें मंगलवार को भंडारे का आयोजन भी करते हैं। लोगों का कहना है कि प्रति मंगलवार कई भंडारे उन भक्तों की ओर से कराए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो। कई बार तो एक ही दिन में 15 से 20 भंडारों का आयोजन होता है। चमत्कार ये है कि सभी भंडारे संध्या काल तक चलते हैं और भोजन करने वालों की कतार पूरे दिन लगी रहती है और रात में भजनों का आयोजन किया जाता है। तो देखा आपने, यह भगवान हनुमान का चमत्कारिक मंदिर और छिंद धाम। आपके मन में कोई ऐसी मनोकामना है जो अब तक पूरी नहीं हो तो एक बार जरूर आए आस्था और विश्वास के साथ छिंद धाम और भगवान हनुमान के दर्शन करें, क्योंकि हनुमान की भक्ति और शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है छिंद का हनुमान मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, भोपाल।